गुरुर गौरचंद्राय राधिका तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नामयं विष्णुपादाय केशवचिन्नरूपिणे श्रीमते भक्तिवेदान्त वामनरूपधारिणे कृष्णवैमुखसंसार विपद्दारिबन्धव नमस्ते ज्ञानविज्ञानरहस्यप्रदाय श्रीरूपानुग प्रज्ञान भक्ति सिद्धांत संपुट गौर कीर्तन निष्णात विग्रहाय नमस्कृते सर्वकृष्ण गुणग्राम दिव्य रत्नाढ्यमूर्तये गंधर्वानुस्वरूपाय नमो नृपामृतामुदये पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंध जगतपते गोपेशम पिताकंत राधाकंत नमस्तुते भक्तकंचन गौरंग विराजे वृंदावनेश्वरी तत्पश्चात सपार्षद जगद्गुरु नित्यलीला प्रविष्ट श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद चरण कमले असंख्य कवि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अश्वदीय पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज चरण असंख्य कवि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करी।
उपस्थित सभी पूजनीय वैष्णववृंद, वैष्णव वृंदा, श्रोतृ मंडली, मातृ मंडली के चरणों में मेरा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार। आज हमारा बड़ा ही शुभ दिन है, यानी स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र काल जो अष्टमी तिथि है, इसी तिथि के आश्रय करते हुए उन्होंने इस धराधाम में अपने भौम वृंदावन लीला करने के लिए जन्म ग्रहण किए थे। उसी तिथि को हम सभी लोग हर साल प्रतिवर्ष के भांति हम लोग इस तिथि को मनाते हैं, क्योंकि भगवान के जो ये जन्म यात्रा ऐसे तिथि पालन करने पर भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम उन्हीं लीला को स्मरण करने के लिए ये हम भगवान की कथा भगवान के उत्सव मनाते हैं हम लोग। तो महाराज जी ने मुझे आदेश दिया है कुछ भागवत की कथा बोलने के लिए, तो हम लोग कई दिन से भागवत की कथा सुन रहे हैं। आज हम भागवत के पंचम स्कंध से श्री भारत महाराज जी के चरित्र के ऊपर हम कुछ कीर्तन करने का प्रयास करेंगे। हमारे भारतवर्ष का पहला नाम था अजनाभ वर्ष। इसी भारतवर्ष में पृथ्वी में जितने भी देश है उसमें सबसे श्रेष्ठ है भारतवर्ष, और इस भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ है श्री वृंदावन धाम, श्री नवद्वीप धाम। इसी भारतवर्ष में ऋषि मुनियों का तपोभूमि है, देवताओं के विचरण भूमि है, और भगवान के लीला भूमि भी है। तो इसी भारतवर्ष में एक राजा हुए थे जिनका नाम है ऋषभदेव। उन ऋषभदेव का 100 पुत्र है। उन्हीं 100 पुत्र में से 81 पुत्र ने कर्मकांड ब्राह्मण हुए हैं। उनमें से 9 जन वो नवजोगेंद्र ऋषि के रूप में है, जो एकादश स्कंद भागवत की जो वक्ता है। सोनो ऋषि के प्रश्न में ये जो ऋषि ने उत्तर दिए थे ये नवजोगेंद्र ऋषि हैं, और 9 द्वीपों का उनका और बाकी 9 पुत्र 9 द्वीपों का राजा हुए हैं, और बाकी रहेगा केवल एक जने हैं जो कि ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो जो ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज, उन्हीं के ऊपर में ऋषभदेव ने सोसागर पृथ्वी का पूरा जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर देते हुए उन्होंने अपना अवधूत वृष ग्रहण करते उन्होंने संसार परित्याग किया। यह भरत महाराज इस मर्त्यलोक के हिसाब से 1 करोड़ वर्ष तक उन्होंने राजत्व किया है। जब उन्होंने देखा, जैसे हमारे मनु महाराज जी ने मनु संहिता में कहा गया है कि 50 व्रणंग ब्रजित, कि 50 साल उम्र होने के बाद संसार के संपूर्ण जिम्मेदारी उपयुक्त पुत्र को ऊपर में दे करके और संसार परित्याग करते हुए वानप्रस्थ अवलंबन करते हुए भगवान को भजन साधन करें। इसी श्रृंखला में भरत महाराज जी ने अपने योग्य पुत्रों के ऊपर में सब राज्य की जिम्मेदारी देते उन्होंने वन में प्रवेश किया। उन्होंने चलते चलते उन्होंने हरिहर क्षेत्र में कुलह ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उस आश्रम में बहुत दिन बीतने के बाद उन्होंने आश्रम के सन्निकट किसी उपवन में एक नदी के तट पर, यानी गंडकी नदी, उस नदी के तट पर उन्होंने अपने एक कुटिया निर्माण करते हुए भजन करते थे। वह भजन करते करते एक तो पहले धार्मिक राजा थे ही भजन करते थे, फिर उन्होंने बहुत तपस्या किया, उन्होंने करते उन्होंने बहुत उन्नत स्थिति को प्राप्त किया। उन्होंने
एक दिन उन्होंने अपने नदी में स्नान करते हुए उन्हें अपने नित्य कृत करते हुए उन्होंने नदी के तट पर उन्होंने ध्यानस्थ होकर के बैठे हुए थे। इतने में एक आसन्न प्रसवी मृगी वो पानी पीने के लिए आई थी और उस समय एक सिंह की गर्जना से उस हिरणी वो डर के मारे उस नदी में उन्होंने छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही वो जो गर्भवती थी उनका उसमें गर्भपात हो गया उनका। तो भरत महाराज वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने देखा हिरण थे, किसी प्रकार से उन्होंने प्राण बचाते नदी को उस पार जाकर उन्हें शरीर छोड़ दिए, लेकिन वो जो बच्चा था वो पानी में छटपटा रहा था। तो भरत महाराज जी देख करके पानी में उतर गए और उस बच्चा को उन्होंने उठा के लाए, ला करके उन्होंने अपने आश्रम में रख करके उनके लिए पालन पोषण के लिए उन्होंने कुछ व्यवस्था किया है। उनका अपने एक पुत्र के भांति उनको पालन पोषण करते थे। तो इसी प्रकार पालन करते करते धीरे धीरे वो हरिण शिशु धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उनके लिए बहुत कोमल कोमल घास ला करके उनको खिलाना, उनके हमेशा नजर में रखना, ना जाने कहीं भेड़िया आकर के उसको खा ना जाए, उनका हमेशा नज़र रखना और उनके पालन पोषण के लिए उनका दिन रात यही रहा। धीरे धीरे उनका जो साधन भजन जो इतने उन्नत स्थिति में था कि जो ध्यानस्थ हो जाते थे भगवान के श्री जुगल चरण को उनके दर्शन हुआ करता था, लेकिन हरिण शिशु में उनका आसक्ति होने के कारण धीरे धीरे वो हरिण शिशु में उनके मन जितना ही आसक्त हो गया धीरे धीरे भगवान का उतना ही तो ध्यान में जो दर्शन धीरे धीरे वो भी समाप्त होता गया। देखिए यहाँ पर विचार यह है, इस संसार में हम जितने भी प्राणी हैं विशेष करके मनुष्य, बद्ध जीव को जो कोई सेवा करता है उसमें बद्ध दशा प्राप्त होता है और जब मुक्त जीव का कोई मुक्त पुरुषों का वह सेवा करता है तो संसार से मुक्त हो जाता है, ये चीज़ सीखने को मिलता है। तो भरत महाराज जी ने दिन रात उसी हिरण के पीछे उन्होंने लगे हुए हैं। मान लीजिए उन्होंने ऐसे समझा कि मैं ही उनका अभिभावक हूँ, मेरे छोड़कर और उनका कोई नहीं है। इसी प्रकार उनका जब अपना ध्यान करने के लिए बैठते हैं वही हिरण आकर अपने मस्तक से उनके पीठ में ऐसा करने लगता है, फिर कभी आकर उनका गोद के ऊपर नाचने लगता है, कभी तो ऐसे ही उनके आसपास में घूमते हैं, कभी गोद में आकर के सो भी जाते हैं। इस प्रकार उनके स्नेह में भरत महाराज जी दिन रात उनके चिंता उनके भजन पूजन करीब करीब सब समाप्त हो गया है। एक दिन क्या हुआ, भरत महाराज जी ने अपने नित्य कृत्य में बैठे हुए थे और इतने में हिरण के झुंड आए और उन्होंने उस झुंड में देखा था, अरे ये तो मैं जिनके पास रहता हूँ ये तो मेरे जैसे नहीं है, लेकिन ये तो मेरे ही जैसे हैं, तो यही तो मेरे ही साथी है, तो उनके साथ वो चले गए। भरत महाराज जी बहुत ही सोचते रह गए, कहाँ गए कहाँ गए, कहीं तो शेर तो आकर उसको खा कर लिया नहीं, कहीं हिंसक प्राणी उसको तो मार कर दिया नहीं। वही सोचते सोचते उनका सारा दिन चले गए, उनका साधन भजन कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने ऐसे ही सोचते हुए उन्होंने क्या किया, उनके पीछे पीछे गए, देखा कि बहुत दूर में हिरण के झुंड है, तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर में वही हिरण शिशु है, तो उनके पीछे 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 गए। तो हिरण तो जंगली प्राणी है, उनके पहाड़ में चढ़ना उतना उनके लिए कोई कष्ट नहीं है, तो पहाड़ के ऊपर चढ़े गए और इन्होंने भी उनके पीछे पीछे गए। लेकिन जब वो फिर ऊपर से नीचे उतर रहे थे, ये उतारते उन्होंने लुढ़कते लुढ़कते उन्होंने उस हरिण शिशु का चिंतन करते करते उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिया। गीता में कहते हैं यंग यंग वापि स्मरणं भाव तेज तंत्र कलेवरम तम तम एवित पंत तद्भावे न भाव। जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु से पहले वो जिस प्रकार चिंतन करते हुए उन्होंने शरीर को छोड़ते हैं, उनके अनुरूप उनको शरीर
दो बार मिलता है। स्मरण त्यजतंते कलेवरम, जैसे स्मरण करते शरीर त्याग करता है वही शरीर उनको मिलता है। तो भरत महाराज जी का वही हुआ, उन्होंने उसी जंगल में फिर उन्होंने एक हरिण के गर्भ से हरिण जन्म हुआ। लेकिन साधन भजन करते उन्होंने इतने उन्नत स्थिति भावावस्था तक पहुंच गए थे कि उनका उसको जाति स्मर कहते हैं, जो कि पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। तो भरत महाराज जी का ये याद, राजा को हिरण जन्म मिला, उनके याद रहा कि मैंने एक हिरण शिशु को उनके प्रति मेरे आसक्ति के कारण आज मेरा वो शरीर छूट गया, अभी मुझे एक हिरण के जन्म मिला, ये मेरा बड़ा ही अनर्थ हो गया है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। इसलिए उन्होंने अपना जो हिरण जो माता पिता है उनको छोड़ करके उन्होंने फिर वहाँ से चलते चलते फिर हरिहर क्षेत्र में पुलह आश्रम को चले गए। वहाँ जा करके आश्रम के आसपास में रहते हैं, वहाँ रहते वहाँ किसी प्रकार से अपना जीवन बिताते हैं। एक दिन उन्होंने भगवान कैसे स्मरण करते करते उसी गंडकी नदी में अपने आधा शरीर को डूबा दिया और फिर वहाँ ही उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। इस शरीर छोड़ने के बाद फिर भरत महाराज जी ने एक सदाचार संपन्न, बहुत वेद वेदांत में पारंगत, सभी प्रकार सदाचार संपन्न एक ब्राह्मण के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं। उनके और भी कोई पुत्र थे, सभी लोग सब ठीक था, ये भी सही है, ठीक ही है, लेकिन इनके मन में था कि मैं आज समय किसी से बात नहीं करूँगा, मैं क्यों किसी से बात करूँ तो उसी में आश्वस्त हो जाएगा, तो फिर मेरा दो जन्मों तक ऐसे वृथा ही चला गया है। हम इस जन्म में मैं अपने गूंगा बन करके मैं दिखाऊंगा कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ, समझता नहीं हूँ, ऐसे। तो उन्होंने ऐसे स्थिति में रहते हैं, धीरे धीरे बड़ा हो गया। लेकिन पिताजी बड़े ही धार्मिक थे, उन्होंने उस पुत्र को अपने जो भी ब्राह्मण का जो भी नित्य कृत्य थी जो भी कुछ उनके बहुत सिखाने का प्रयास किया है, लेकिन उनमें उनका मन नहीं लगता, वो दिन रात प्रभु के ही स्मरण में लगे रहते हैं। तो उनका यहाँ तक कि उपनयन संस्कार भी उनका हुआ। उपनयन संस्कार होने के बाद उनके ब्रह्मा गायत्री आदि उसको उच्चारण करना, जो जो कुछ करना होता है सब कुछ उनके सिखाने बहुत प्रयास किया उनके पिताजी ने, लेकिन भरत महाराज जी एक भी शब्द नहीं निकालते हैं। वो ऐसे प्ले कर रहे जैसे मानो कि वो कुछ समझते नहीं है, ना तो कुछ नहीं है, जैसे पागल जैसे जड़ है उसके, इसलिए जड़ भरत यानी जिसके कोई अच्छा बुरा कोई सोचने का बोलने का किसी करने का कोई स्थिति नहीं है, लेकिन वो संपूर्ण स्वस्थ है, सब कुछ जानते हैं समझते हैं, लेकिन किसी से बात नहीं करना ताकि किसी से हमारा आसक्ति ना हो जाए। वो ऐसे करते करते देखा कि जब उनके पिताजी एक दिन यह शरीर छोड़ करके अपने पधार गए, तो भाई लोगों ने क्या किया, पिताजी जब तक थे उनके बहुत सिखाने का प्रयास किया है, लेकिन भाई लोगों ने कहा चलो करते रहते कौन सिखाता है इसको। और उनके स्थिति देख करके उनके जो भाई लोग हैं उनके खाने पीने के प्रति भी कोई नजर, जो मिलता है वो वही ग्रहण करते, लेकिन हृष्ट पुष्ट शरीर है क्योंकि वो हमेशा भगवान के ही स्मरण में भगवान के सेवा में लगे रहते हैं और उनके शरीर में दिव्य तेज है। भगवान की भक्ति होने के कारण उनके हृदय में चित्त शक्ति है, चित्त शक्ति के कारण शरीर से दिव्य तेज प्रकाश है, लेकिन वो कभी नहाते धोते नहीं है। जैसे राग के ढेर के अंदर आग रहते दिखाई देते हैं ना, तो उसी प्रकार उनका मलिन शरीर के अंदर से उनका वो ब्रह्म तेज निकल देते हैं। उनके देखा कि ये जब किसी काम का लायक नहीं है तो खेती है, इनको खेती के काम में लगा दिया जाए इनको, ताकि कोई पशु आकर के ना खा जाए या चिड़िया आकर के उसको नष्ट ना कर दे। लेकिन उन्होंने क्या किया, खेत में जा करके प्रभु के नाम करने लग गए। तो एक समय उसी इलाका में कुछ डकैत लोगों ने अपने मनोकामना पूर्ति के लिए वहाँ जो डकैते काली के नाम से परिचित है वह स्थान अभी पास में ही है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में है, जिसका अभी भद्रकाली के रूप में जाना जाता है, यही स्थान है।
तो वो व्यक्ति वो सब डाकैत लोग ने एक अच्छा बलि यानी वो देवी के पास में देने के लिए लेके आए थे, लेकिन वो जब समझा कि मुझे बलि देने का था वो मौका मिलते वहाँ से फरार हो गया। अभी बोले तो भाई और भाई कहीं से पकड़ के लाओ, तो ढूंढते ढूंढते देखा खेतों में एक हट्टा कट्टा एक बहुत देखने सुंदर है, तो उनको पकड़ लिया। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उनके साथ चले गए। वहाँ जा कर के उनको स्नान करवाया, उनको लाल वस्त्र पहनाया और सब कुछ करके उनको खिलाया पिलाया। फिर जहाँ पर उसको बोली दिया जाता है उस जगह में ले गए, लेकिन देवी को ये चीज़ सहन नहीं हुआ। जिसके अंग से ऐसे ब्रह्म तेज निकल रहे हैं, ये मुरज्जीब ये समझते नहीं है, ऐसे महापुरुष को पकड़ के लाए हैं। इसलिए देवी ने क्रोधित होकर क्या किया, उन्होंने जो संकल्प कर जिस खड़गों को रखा था उनके बोली देने के लिए, वही खड़ग लेकर के उन्होंने सब डाकैत को उन्होंने सब संहार कर दिया। उन्होंने कहते उन्होंने कहा प्रभु आप ऐसे रूप में रह रहे हैं कि समाज के लोग आपको नहीं समझते हैं, इसलिए आप इनको क्षमा कर दीजिए, आप अपना काम में जाइए। तो उन्होंने फिर वहाँ चले गए। तो फिर क्या हुआ, ऐसे एक दिन सिंधु सोबिर देश का राजा